पता चला एक पॉइंट पे आपको कोई खौफ भी आया, कोई डराया भी गया आपको, वो क्या कहानी बताना चाहेंगे आप? मुझे किसी ने कहा कि कोई कुछ हुआ, कुछ इंसिडेंट वहां पे, ये ना वो अब आ जाए मेरे घर ये आप बताएं प्लीज, प्लीज आप बताएं। हम लोग एक लोकेशन पे जहाँ ये शूट हो रहा था, तो वो जो लोकेशन है बड़ी मजेदार लोकेशन थी, तो वहाँ के लोग भी जो थे वो कैरेक्टर में नहीं थे, वो असल थे। और किस तरह के लोग थे मुझे बताएं ना भाई? दे वर वेरी लविंग एंड वेरी इंटिमिडेटिंग एट द सेम टाइम। और वो हमारे ओल्ड स्कूल फिल्म जो प्रोड्यूसर्स थे, जो प्रॉपर हमारे लाहौर के गुजर फैमिली और ये वो सारा अच्छा। कुछ होता है वो वाला माहौल, पंजाबी सिनेमा जो एक पंजाबी प्रॉपर। अब वो अहमद के बड़े फैन थे। अब हमने ना थ्रू आउट, मैंने और अहमद ने काफ़ी एक दूसरे की तस्वीरें खींचते रहते थे, लेकिन पूरे सेट पे था कि कोई तस्वीर नहीं खींचेगा और कोई लुक भी नहीं आउट, बिकॉज हम लोग एक 90s का टाइम दिखा रहे हैं, फैशन भी वैसा किया हुआ है, मेकअप भी हुआ हुआ है, तो हम लोग नहीं चाहते कि कोई इस तरह की चीज़ लीक हो। उन्होंने आते साथ ही कहा जी ज़रा फोटो तो खिंचवा हो और आपने मना कर दिया, फिल्म भी ऑफर कर दी मुझे, फिल्म भी ऑफर होगी इनको, मल्टीपल फिल्म्स। अच्छा, 3 film deal। हाँ हाँ, मुझे फिल्म ऑफर होगी, मैंने मैं गायब हो गया हूँ। वो ढूंढ रहे होंगे आपको अभी भी, लगता है ढूंढ रहे हैं अभी भी, लगता है वो इनको अब ढूंढेंगे। इन्होंने लोकेशन बुक करी। बट एट व्हाट पॉइंट, जब फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ आप एक्चुअली सेट के ऊपर गए, डिड यू फील दैट कॉन्फिडेंस इन हिम के यार के नहीं यार अब डिसीजन तो ले लिया है बट ये भी पक्के हैं, ये अपना काम जानते हैं? जब जिस दफ्तर में शहबाज भट्टी का कैरेक्टर काम करता है, जब मैं वहाँ एंटर किया है, तो आई वॉज ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट टाइम, एंड जब वो कैमरा पे मैंने देखा, आई वॉज लाइक दिस इज गुड, दिस इज योर फर्स्ट शॉट? नहीं, वॉज इट ये फर्स्ट काम नहीं था। अच्छा, तब तक एप्रिहेंशंस थी? मतलब आपको नहीं पता होता, आपको अच्छे से अच्छे काम मैंने किए हुए हैं जिसका आपको बड़ी देर तक नहीं समझ आती कि क्या होगा, आप बस अपना 100% दे रहे होते हैं एंड दुआ कर रहे होते हैं, होपिंग फॉर द बेस्ट। बट क्योंकि हमारी लोकेशन जो एक स्पेसिफिक लोकेशन जो डिज़ाइन हुई थी वो थी, और आई एक्चुअली फेल्ट लाइक द कैरेक्टर इन दैट मोमेंट, एंड मुझे मज़ा आया उधर खड़े होकर, मैंने कहा इसमें मेहनत हुई है, ये सिर्फ इसके आर्ट में भी मेहनत हुई है, नॉट जस्ट द स्क्रिप्ट, नॉट जस्ट द कॉस्ट्यूम्स, बट पूरा माहौल बड़ा बेहतरीन था, तो वहाँ मुझे बड़ी खुशी हुई। I was like, okay, अच्छा, another thing that I noticed again, now, जब ये ट्रेलर चला, for you, Ahmed, it's not just, as you said, the costume or the look, it is the complete person. I don't say character, I say person, because you start to walk differently, you start to speak differently. ये जो आपका एक process है to get into the skin of the character, आपको कितना वक्त लगता है? जैसे आपने बताया परिजात से बाहर आने में आपको वक्त लगा, कैरेक्टर के अंदर जाने में भी आपको वक्त लगता है, व्हाट इज दैट प्रोसेस? हाँ बिल्कुल, आई मीन अगर डैनियल डे लुइस जैसे लोग 9 महीने पहले स्क्रिप्ट मांगते हैं, तो हम किस खेत की मूली हैं? इट टाइम लगता है, और जितना टाइम ज़्यादा हो उतना ज़्यादा फ़ायदा है, बट कभी कभी वो लिबर्टी नहीं होती, तो आपको कभी यू हैव टू वर्क हार्डर। कोई एक मेथड नहीं है, मैं मेथड एक्टर नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता मेथड एक्टिंग क्या होती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जवाब ढूंढूँ स्क्रिप्ट में अपने डायरेक्टर से, स्क्रिप्ट यू नो द आंसर्स आर इन बिटवीन द लाइंस, राइटर से रजू करूँ, दे नो व्हाट द कैरेक्टर इज, फिर काफ़ी दफ़ा एक्सप्लोर किया जाता है कैरेक्टर, डिस्कवर किया जाता है डायरेक्टर के साथ मिलके, राइटर के साथ मिलके, एंड इट्स जस्ट प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन, कभी भी हर दफ़ा फ़र्क होता है हर दफ़ा। और जो आपके कैरेक्टर की स्टाइलिंग होती है इन पर्टिकुलर, जैसे मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ, यू नो द शर्ट्स दैट यू वेयरिंग, द पैंट्स, दिस बैग, मूछें, ये आपकी अपनी इनपुट होती है या अगेन ये भी आप डायरेक्टर के साथ बैठ के, राइटर के साथ बैठ के डिवाइज करते हैं? मेनली डायरेक्टर की होती है, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ, एंड हमेशा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि दे हैव रेसिप्रोकेटेड, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा आई थिंक 10-20% थोड़ा मेरा इनपुट भी होता है, बट यूजली आई ट्रस्ट द डायरेक्टर, दे हैव अ विजन जो फिल्म के साथ जा रहा होता है, फिल्म की कलर के साथ जा रहा होता है, फिल्म की थीम के साथ जा रहा होता है, टाइम के साथ जा रहा होता है, सो उन्होंने बहुत सोच डाली होती है। कैरेक्टर की पर्सपेक्टिव से मैं क्या दे सकता हूँ, मैं ज़रूर देता हूँ, मैं अपना इनपुट देता हूँ, और अगर उनको समझ आती है तो दे वर्क विद मी, एंड ऐसा हुआ। बट साहब विद यू इस बार इस कैरेक्टर के लिए, वर देयर एनी चैलेंजेस दैट यू फेस्ड? कि यार के थोड़ा सा प्रेशर शायद ज़्यादा हो कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर करने लगा हूँ, फिल्म है, कोई एडिटर वजन आपने महसूस किया हो कंधों के ऊपर?
क्योंकि उसका काम ज़रा थोड़ा था तो वी वॉन्टेड हिम टू बी वेरी इम्पैक्टफुल. लुक वाइज भी हमने थोड़ा सा उसको मतलब हम लोग ने ये कोशिश की थी कि इसका कैरेक्टर जो है ग्रे एरियाज में ही रहे ज़्यादा, मतलब उसका मैनरिज्म, उसकी सिगार शार आपने पकड़ा है वो आपका सिगार. मैंने इनको कहा था मैं कहा ज़रा ऐड करें सिगार इसमें बिकॉज आई लव सिगार्स ऑल्सो. सो मगर टोन ज़रा शेख रशीद साहब से इंस्पायर्ड थी बिकॉज आई लाइक शेख रशीद साहब. तो मैंने कहा ज़रा स्वैग वो लाइक होना चाहिए. सो बट ये था कि वी रिहर्स्ड, वी डिड अ फ्यू रीडिंग्स. हम लोगों ने फिर जब इसको कैमरे में देखा इसकी मूछें और इस तरह का ज़रा साइड पार्टीशन और ये, तो बड़ा मज़ेदार मतलब डिफरेंट कैरेक्टर निकला. बहुत मज़ा आया स्क्रीन पे, बड़ा अच्छा लगा. आई हैड अ ग्रेट टाइम शेयरिंग स्क्रीन विद हिम और इनकी परफॉर्मेंस बहुत मज़ेदार है. नहीं नज़र आ रहा है ट्रेलर. आपको कैसा लगा भाई? अच्छा लगा मतलब अभी तक तालियां बजा रहे हैं. मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें और भी लोग हैं जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हैं. दे आर वेरी, जैसे मैंने कहा कि उमैर राना, रेशम एंड ऑल दीज पीपल, ये सब एक कह लें कि इस पूरी फिल्म का अगर ये कह लें कि छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो मिलके ये पूरा कंबाइन करती है एंड दे रिवॉल्व अराउंड द सेंटर कैरेक्टर. सो इस तरह की जब भी फिल्म होती है व्हाट रियली मेक्स इट स्टैंड आउट इज एवरीबडी कंट्रीब्यूटिंग इन इट. एंड द कैप्टन ऑफ द शिप वाज वेरी क्लियर व्हाट ही वांटेड एंड द प्रोड्यूसर, उन्होंने एक दफ़ा भी हमें तंग नहीं किया. एक दिन मेरे ख्याल से सेट पर आई हैं मगर शी हैड कम्प्लीट ट्रस्ट इन हिम एंड मतलब हमारा काम भी आसान था. इनका काम तो माशाल्लाह बड़ा ज्यादा था मगर इट मेड. अभी तक इन्होंने मुझे पूरी फिल्म नहीं दिखाई बाय द वे. अच्छा अभी तक मैंने पूरी फिल्म नहीं देखी हुई. डबिंग में भी नहीं देखी यार. वो मैं बताना चाहूंगा नहीं नहीं डबिंग में भी मैं बताना चाहूंगा. बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि हमारे यहाँ सिंक साउंड फिल्में नहीं होती हैं. हां सिंक साउंड पे ये फिल्म 98% अचीवेबल सिंक साउंड पे है. भाई वाह, दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट एक्चुअली. इट इज क्योंकि हमारे, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि क्योंकि मैं सिनेमा बहुत देखता हूँ कि वो एक्सप्रेशन वो इमोशन आ ही नहीं सकता जब तक वो रियल टाइम में जो आ रहा होता है. सो फॉर मी इट वॉज वेरी, आई वॉज वेरी क्लियर एंड आई प्रिपेयर्ड लॉट ऑफ स्टफ. लोकेशन की स्काउटिंग के वक्त हम साउंड की टीम को साथ लेकर जाते थे कि कहाँ शोर है, शोर को कैसे कंट्रोल करना है, इनकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी. तो जो हमारी प्री थी इट वॉज एक 4 months प्री जो हमने लोकेशंस ढूंढना, जब कह रहे हैं रियल लगता तो एक्चुअली देवर री और 90s का एरा रिक्रिएट करना इन लाहौर. लाहौर बिल्कुल बदल चुका है बिल्कुल ठीक है. और वो जगह ढूंढना और उनको जहर वो भी जगह वैसी नहीं है. उन्हें हमने सेट्स नहीं लगाए, हमने सेटअप्स लगाए हैं. आई कॉल इट सेटअप्स क्योंकि ओरिजिनल लोकेशन को आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया जो आपकी रिक्वायरमेंट है. एंड अभी हमने सिंक साउंड किया और बहुत माइनर मतलब कुछ डायलॉग्स आ रहे हैं, कहीं आपको जंप्स नज़र आते हैं तो आप कहते हैं कि यार इसको कर दें ADR कर दें, डबिंग कर दें इसकी, बट 98% वी एबल टू अचीव. बड़ी ज़बरदस्त बात है बिकॉज मुझे जहाँ तक याद है दिल चाहता है सिंक साउंड पे आई थी आज से कितने साल पहले इंडिया में और आई थिंक पाकिस्तान में. मुझे नहीं आप लोगों को बेहतर पता होगा सिंक साउंड. आप तो टेलीविजन आपने की है आपकी फिल्में? टेलीविजन अब ज्यादातर यही हो रहा है. टेलीविजन सिंक साउंड फिल्में तो वी डिड जो पंजाबी फिल्म की थी वो है पूरी सिंक साउंड पे. अच्छा मगर वो यूके के अंदर थी. लाल कबूतर सारी सिंक साउंड पे. लाल कबूतर सिंक साउंड, दैट्स फैंटास्टिक. तो पाकिस्तानी सिनेमा भाई आगे जा रहा है, हम भी आगे बढ़ेंगे. वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का.